समाज में नई सोच लाने के लिए कुरुक्षेत्र की करतारी देवी की बेटियों व बहुओं ने कंधा दे कर दी अंतिम विदाई। करतारी देवी की पार्थिव देह मेडिकल कॉलेज में रिसर्च के काम आएगा। धर्मनगरी की वशिष्ठ कॉलोनी निवासी 80 वर्षीय करतारी देवी का सोमवार देर रात्रि निधन हो गया। करतारी देवी ने जीते जी मरणोपरांत शरीर दान के लिए फार्म भरा हुआ था। करतारी देवी की इच्छा को पूरी करने के लिए परिजनों ने करतारी देवी का पार्थिव शरीर मेडिकल कॉलेज में रिसर्च हेतु दान दिया। करतारी देवी के पुत्र प्रवीण कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि करतारी देवी की मृत्यु के बाद उन्होंने डेरा सच्चा सौदा सिरसा में संपर्क किया तो सिरसा से पहुंची एम्बुलेंस के जरिए उनके शरीर को उत्तर प्रदेश के पिलखुआ के जीएम आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल में भेजा गया। मंगलवार दोपहर को परिजनों, रिश्तेदारों व डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों ने करतारी देवी को अंतिम विदाई दी। इस दौरान एम्बुलेंस को फूलों से सजाया गया था। अंतिम विदाई देते समय करतारी देवी अमर रहे के नारे लगाए गए। जीते जी भी करती थी मानवता की सेवा। प्रवीण कुमार ने बताया कि करतारी देवी अनेक वर्षों से डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी थी। वो पौधारोपण व अन्य मानवता भलाई के कार्य में अग्रणी रहती थी। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से कुलतार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।